नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और जीवन में निरंतर अग्रसर होंगे प्रगति पथ पे। हम बात करेंगे इस वीडियो पे साप्ताहिक राशिफल, सप्ताह अगस्त का तीसरा सप्ताह, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कैसा जाएगा आपके लिए। श्रावण का अंतिम सप्ताह आप कह सकते हैं। हमारी यात्रा मंडे टू संडे की होती है। नया सप्ताह कैसे स्टार्ट करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ राशि पे है, लग्न पे इसका कोई लेना लादना नहीं है। आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध, अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उसके साथ हमारे साथ आगे की यात्रा पूर्ण करिए। तो भगवान शिव का दिन है, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखिएगा, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहिए, बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं, सब ठीक करने वाले हैं। तो सोमवार का दिन जैसे आप प्रातःकाल जगेंगे तो दिन ठीक रहेगा। यद्यपि मन जो है दो तरफा भागेगा, थोड़ा सा आलस्य रहेगा, थोड़ा सा प्रमाद रहेगा, लगेगा कि यार आज ऑफिस ना जाएं क्या, आज काम पे ना जाएं क्या, तो मन घर की तरफ भी भागेगा और मन ऑफिस की तरफ भी भागेगा। मन आपका आध्यात्म की तरफ झुकेगा, लगेगा कि चलो सोमवार का दिन आज व्रत रह लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की रिंगटोन कंटिन्यू बजती रहेगी, आपको भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए। तो मन दो तरफा भागेगा। विशाखा है दोस्त, विशेष शाखा में भागेंगे, विशेष अवसर उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है ना थोड़ा सा मलिन होता है, चंद्रमा थोड़ा दुखी हो जाता है, तो यह प्रभाव कहाँ पे रहेगा, 12वें घर में रहेगा। उसके बाद यह प्रभाव आपके लगन आपके राशि पे आएगा, तो थोड़ा खर्च, थोड़ा भाग दौड़ थोड़ा इस दिन ज़्यादा होगी, लेकिन नुकसान आपको नहीं होगा। भाग दौड़ के बावजूद चीज़ें आप फेवर में करते हुए आगे निकलेंगे। हाँ, मन थोड़ा सा भागेगा, मन पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। क्या करें, प्रातःकाल भगवान शिव को कुछ भी चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा हल्दी मिला के चढ़ाइए, थोड़ा पीला चीज़ चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, चीज़ें बेहतर होकर निकल जाएंगे। हर हर महादेव कहते रहिए। 13 तारीख को प्रातः 7:35 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, तो यहाँ तक आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रहोगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहेगा। उसके बाद आराधना उपासना साधना का नक्षत्र जिसका नाम है अनुराधा, शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा थोड़े मलिन होते हैं, चंद्रमा थोड़ी सी निगेटिविटी मैं नहीं कहूँगा, टूटे फूटे जो यादें हैं उनको पकड़ते हैं, बिसरी हुई बातों को पकड़ते हैं, तो लोगों का फ़ोन आएगा, जो टूटे लोग याद आएंगे, फ़ोन नहीं आएगा, याद आएंगे। और यहाँ पे इस दिन आपका मन निश्चित रूप से आध्यात्मिक में लगेगा, आपको लगेगा संसार मिथ्या है और अपना आप केयर करना शुरू करोगे, थोड़े से अपने लिए लापरवाह जो हुए थे इस दिन अपना ध्यान रखना शुरू करोगे, चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगी। शुभ फल प्राप्त करने के लिए ओम प्राम प्रेम प्रम स शनिश्चराय नमः, या भोले बाबा के पास जाइएगा, थोड़ा तिल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, दिन आपका बेहतर होता हुआ जाएगा। 14 तारीख को 9 बजे तक अनुराधा रहेगा, 9 बजे तक रहेगा, 9 बजे के बाद फिर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बड़प्पन का है, ज्येष्ठा नक्षत्र आगे बढ़ कर काम करने का है, वे ऑफ टॉकिंग आपकी अच्छी तगड़ी है सर, वे ऑफ टॉकिंग आपकी इस दिन, तो ये धनात्मक रूप से मजबूती प्राप्त करने का नक्षत्र है। इस दिन आप जो भी काम करेंगे ना आपका काम बोलेगा, वाणी के द्वारा सभी कार्यों की सिद्धि होते हुए मित्र दिखाई दे रही है, तो वाणी को वीणा ही बनाइएगा, वाणी को बाण मत बनने दीजिएगा। हालांकि दिन ठीक है, जैसा भी आप चाहे उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विनम्र होना भी नुकसानदायक होता है। विनम्रता उन लोगों के सामने रखिए जो उसकी योग्यता को धारण करते हैं, ठीक है ना। कुत्ता को कुत्ता जी कह देने से भौंकना नहीं बंद करेगा, ठीक है। छोटे पैजामों को आप चाहे जितना रिस्पेक्ट करो, ये आपको जब भी मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सठम साठ्यम समाचरेत इस नीत को अपना के रखिएगा। जरूरत पड़ने पर प्रसाद भी वितरित करते हुए चलिए, कभी कभी वितरण करना पड़ता है। भयबिन होए न प्रीत, शांति जो है ना बंदूक की नली से निकलती है। आप एक बार अच्छी तरह से इनको पीट दो
फिर देखना सदियों तक जो है बिल्कुल शांति शांति रहेगी, बिल्कुल शांति रहेगी जी। तो यहाँ पे कभी कभी इस तरह का प्रभाव आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत दबना नहीं है। तो 14 तारीख का पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा। 15 तारीख को देखें स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है। बच्चों को अपने जरूर बताइएगा स्वतंत्रता किस पैमाने पे मिली है, ठीक है। इस स्वतंत्रता दिवस पे एक जो है ना नारियल काटने वाला हथियार आता है ना, उसको जरूर लेके आइएगा। कोई बढ़िया सा पैने से चाकू जो जिसको जिसको आप उपयोग ला सकते हैं, बड़ी सी होती है ना इतनी बड़ी, इस तरह के हथियार भी अपने घर में नारियल काटने के लिए रखिए, सब्जी काटने के बड़ा सा चाकू रखिए, आवश्यक है। एक डंडा होना चाहिए, एक बढ़िया सा लठ भी तैयार करके रखिए, जिससे कुत्ते मारने को सांप मारने को इस तरह की जरूरत। हम लोग इतने अहिंसक हो गए हैं कि झाड़ू के अलावा घर में कुछ होता ही नहीं, कभी ज़रूरत पड़ जाए कुत्ता सांप निकल आए तब भी आपके पास है ही नहीं, रखना शुरू करिए। और बच्चों को बताओ कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, कैसे फांसी के फंदे को चूम गए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ठीक है ना, भगत सिंह कौन थे, इनके बलिदान से आपको आज़ादी मिली है, सिर्फ घुमा देने से नहीं। अगर घुमा देने से मिलती तो भाई बांग्लादेश में आवश्यकता है, जितने चरखा वाले हैं भेजो उनको वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे घुमाएं। तो भ्रम से दूर रहिएगा, आज़ादी जो मिली है ना उसमें बच्चों को बताइएगा कि आज़ादी किनके कारण मिली है और महिमा मंडन किसका हो रहा है। एक पंक्ति आपको बताऊं क्या, एक पंक्ति है, आप खुद याद कर लीजिएगा, आपको समाज में बताने को काम आएगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यन्ते च व्यतिक्रमाण त्रीण तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम्। हिंदी में इसका अर्थ है अपूजनीय लोग जहाँ पूज्य हो जाएं, जहाँ पूजनीय लोगों की पूजा में व्यतिक्रम आ जाए, त्रीण तत्र प्रवर्तन्ते, तीन चीज़ें वहाँ पे होंगी, दुर्भिक्षम मरणम भयम्, अतिवृष्ट अनावृष्ट। और आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और इसको हमारे इतिहासकारों ने गढ़ दिया, बोला नहीं जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो पुरु, ठीक है। आप लेख देखेंगे और शिला लेख देखेंगे, उसमें वो सिकंदर को बांध के रस्सी में घसीटता है हाथी से, वो शिला लेख झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। ये रोमिला थापर जैसे इतिहासकार जो आए, इन्होंने उल्टा पुलटा कर दिया, बोले नहीं एक ही परिवार, एक ही परिवार, जाति जाति पूछ रहे थे, अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली, तिल मिला गए, ये तो जाति है। अभी अगर बोल रहे हैं ना चाय बेच रहा है, चाय बेच रहा है, पूछ लो तुम क्या बेच रही हो, तो आग नीचे से ऊपर तक लग जाएगी। इटालियन जो बछड़ा है, बछड़ा नहीं और कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहिए, अपने बच्चों को बताते रहिए। तो स्वतंत्रता दिवस आपको मुबारक हो, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिली है, इसको बनाए रखिएगा। इस दिन आपका जो नक्षत्र है 9:55 तक जड़ों से जुड़ने का है, अपने परंपराओं को, अपने वैल्यूज को पहचानने का है, पितरों को प्रणाम करके चलने का है, चीज़ें ठीक होंगी, धनात्मक रूप से बेहतर होगा। 16 तारीख का 10:11 तक, 10:30 तक चीज़ें ठीक है, थोड़ी वाणी टफ रहेगी, 11 बजे के बाद फिर चीज़ें बेहतर हैं, आपकी वे आप टाकिंग अच्छी होगी, फूल झड़ेंगे आपकी वाणी से, जो बोलोगे उसको लोग सुनेंगे, आपको अच्छा खाने पाने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख को आप पराक्रम की ओर धीरे से बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त करते हुए आप आगे जाएंगे, तो जो आप चाहते हैं वो सफलता प्राप्त कर लेंगे। बड़े लोगों का भी आपको सपोर्ट निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 तारीख को 9:41 मतलब संडे को 9:41 तक बेहतर जाएगा, उसके बाद फिर जो नक्षत्र है अच्छा सुनने को मिलेगा, एक लिसनर नक्षत्र है। और अगले सप्ताह रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, इस पर्व की महत्ता को समझिएगा, एक सूत्र भगवान को भी बांधिएगा, बेहतर परिणाम मिलेगा, वही तो रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप अपनी रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कि देखो एक लाइन है, हिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथा उच्चा, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है तुरंत उसका मुंडी 2 मिनट में बाहर कर दो, दोबारा हाथ उठाने का मौका ही मत दो दोस्त। यही तो हमारे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो, प्रतिघात हो, उसके पहले आघात कर दो। गीता को हम लोगों ने सुना ही नहीं, हमें जो है ना गीता की आधी लाइन झुंझुना पकड़ा दिया गया, हिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथा उच्चा, कौन बताएगा। आपको अपने परिवार को कुटुंब को बताना होगा। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, जय जगदम्ब कहते रहना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।